एक शब्द है आर्य, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। उर्दू में जैसे पाक शब्द पवित्र के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे पाक परवरदिगार, पाकिस्तान, कुराने पाक। कोई किसी को पाक कहता है तो किसी को नापाक अवश्य कहता होगा। इस प्रकार कोई नस्ल या समुदाय खुद को आर्य मानता है तो किसी को अनार्य अर्थात निकृष्ट हीन अवश्य मानता होगा। ये अपने आप में अमानवीय लगता है कि कोई व्यक्ति या कोई नस्ल या कोई समुदाय स्वयं को आर्य अर्थात श्रेष्ठ माने। स्वयं को श्रेष्ठ और अन्य को निकृष्ट मानने का आधार घृणा, अहंकार और मिथ्या दंभ ही हो सकता है। ऐसी सोच ही आगे चलकर फासिस्ट विचारधारा को जन्म देती है, जिसने दुनिया के सामने विश्व युद्ध का संकट उपस्थित कर दिया था। ये शब्द आर्य शब्द अपने आप में एक इतिहास, एक संकल्पना, एक घृणा में फांसीवाद का बीज छिपाई हुई है। आर्य शब्द को एक विचारधारा, एक जीवन दर्शन और एक नस्ल विशेष के लिए प्रयुक्त करने के पीछे एक चालाकी भी हो सकती है कि निकृष्ट को भी श्रेष्ठ कहा जाता रहे तो उसके प्रचार प्रसार बनने में मदद मिलती है। एक झूठ को यदि हजार बार प्रचारित किया जाए तो वो सच की तरह मान्य हो जाता है। इस प्रकार का विज्ञापन बराबर चलता रह सकता है, ऐसा लगता है कि चलाया जाता भी रहा है। अब इसे आर्य शब्द को एक नस्ल, एक समुदाय, एक समाज के रूप में इतिहासकार मान्यता दे चुके हैं। इस व्यवस्था में जो सबसे ऊंची माने जाने वाली जाति और माने जाने वाले वर्ण के जवाहरलाल नेहरू जी और बाल गंगाधर तिलक जैसे धुरंधर विद्वानों और प्रतिष्ठित लोगों ने भी माना है कि आर्य विदेश से आए थे। ये स्वयं को आर्य यानी श्रेष्ठ मानते थे। ये सब श्रेष्ठ और निकृष्ट लोग एक होकर हिंदू कहे जाने लगे। जो शब्द किसी धर्म ग्रंथ के किसी भी पन्ने पर एक बार भी उल्लेखित नहीं हुआ वो एक धर्म का परिचायक हो गया और यहाँ तक कहा जाने लगा और प्रचारित भी किया जाने लगा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। क्या ये शब्द अपने आप में एक इतिहास नहीं रखता? दयानंद सरस्वती जी ने सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक अपने ग्रंथ की भूमिका में लिखा, हिंदू शब्द हम लोगों को मुसलमानों द्वारा दी गई गाली है। वक्त के तकाजे के फलस्वरूप वर्तमान संस्करणों में इस वाक्य को निकाल दिया गया। इसके बावजूद भी ये सुनिश्चित है कि दयानंद सरस्वती भारत के लोगों को हिंदू नहीं आर्य मानते थे। उन्होंने अपने उसी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में ये भी लिखा, देसी शासन कितना ही बुरा क्यों ना हो विदेशी शासन से बेहतर होता। सवर्ण भी अपने आप को हिंदू नहीं मानते, आखिर क्यों? क्योंकि वर्तमान में जो सवर्ण हैं उन्होंने विदेशी आक्रांताओं, मुगलों और मुसलमानों से रोजी बेटी का रिश्ता कायम किया। उन्होंने मुगलों को जजिया कर नहीं दिया था। जब भारत में जजिया कर लगाया गया तो ब्राह्मणों ने देने से मना कर दिया और कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, हम भी तुम्हारी तरह बाहर से आए हुए आर्य शासक हैं। फ़र्क इतना है कि हम तुमसे पहले भारत में आए थे तो मुगल शासकों ने भारत के ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त कर दिया था। फिर हिंदू है क्या? हिंदू फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ गुलाम, चोर, धोखेबाज, काला कलूटा होता है। इन्हें हिंदू की संज्ञा देने का एक कारण और भी था कि ये लोग पाखंड और अंधविश्वास फैलाकर मासूम लोगों को लूटा करते थे। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, अरब, यूरोप, अमेरिका आदि देशों के निवासी भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को हिंदू या काफिर कहते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, कोई भी हो। हिंदू शब्द सबसे पहले लिखित तौर पर गीता प्रेस गोरखपुर, हिंदू महासभा आदि ने 1923 में प्रयोग किया, इसलिए ताकि ओबीसी एससी एसटी को लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित किया जा सके। ओबीसी एससी और एसटी संविधान के अनुसार हिंदू नहीं है, तो फिर किस मुँह से आप कह रहे हैं कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं? इस विषय के बारे में जानने के लिए आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। ये हिंदू शब्द गाली से गर्व करने तक की जो यात्रा तय करता है उसमें एक इतिहास छिपा है। ये सुनिश्चित है कि एक समय इस देश पर आक्रमणकारी के रूप में आए लोगों ने खुद को आर्य और देश में रहने वालों को अनार्य की संज्ञा दी। जिन लोगों को आर्यों ने अनार्यों की संज्ञा दी उन्हें ही वक्त की नजाकत को देखते हुए सरस्वती जी को आर्य कहना पड़ा। जिन भारतवासियों के लिए दयानंद जी ने हिंदू संबोधन को गाली कहा उसके लिए हेगड़ेवार और गोलवलकर जैसे नेताओं ने कहा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जिस प्रकार भारतवासियों को अनार्य, असुर, दास, दस्यु, दानव, राक्षस, दैत्य आदि संबोधन दिए, उसी प्रकार मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारतीयों को एक संबोधन परक संज्ञा देनी आवश्यक थी ताकि शासकों और गुलामों के बीच भेद किया जा सके। उन्होंने यहाँ के लोगों को हिंदू कहा। ये संबोधन सिंधु का तद्भव रूप भी हो सकता है। फारसी में सा को हा पढ़ा जाता है जिसके कारण ये शब्द बना है। अगर फारसी में सा को हा पढ़ा जाता है तो फारसी में खुद ही सा है तो उसे हा में यानी फार ही क्यों नहीं पढ़ा जाता? अगर मान भी लिया जाए कि सिंधु से हिंदू बना है
तो ये तो सरासर गलत उच्चारण है, क्योंकि ये सिंधु से हिंदू नहीं बल्कि सिंधु पढ़ा जाता। हिंदू अरबी का शब्द है। हिंदू शब्द ना तो वेद, ना पुराण, ना उपनिषद, ना आरण्यक, ना रामायण, ना ही महाभारत में। खुद स्वामी दयानंद सरस्वती जी कबूल करते हैं कि ये मुगलों द्वारा दी गई गाली है। 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की, हिंदू समाज की नहीं। इसी शब्द को अंग्रेजों ने भी कसकर थाम लिया। इसी कारण दयानंद सरस्वती जी इस शब्द से नफरत करते थे, क्योंकि विजेताओं द्वारा किए गए इस नामकरण में उन्हें गुलामी की दुर्गंध उठती दिखाई देती थी। यही शब्द जनतंत्र में गर्व करने हेतु इसलिए बना दिया गया क्योंकि आर्य, द्रविड़, मूलवासी, सक, हूण, यूची आदि से बनी इस खिचड़ी जनसंख्या को एक नाम देकर चंद वर्ण विशेष के लोग देश के धनी और देश की धरती पर काबिज हो सकें और शेष बहुसंख्यक समाज कीड़े मकौड़ों सा जीवन व्यतीत करता रहे। इस दृष्टि से ये शब्द उपयुक्त लगा तो कहना पड़ा गर्व करो। स्वतंत्र भारत की संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान में ये शब्दावली अकारण नहीं रखी, वी द पीपल ऑफ इंडिया दैट इज भारत। इसका कारण है क्योंकि जो समझ रखते हैं वे समझ सकते हैं कि दैट इज भारत के आगे जो शब्द नहीं लिखे गए वे हैं नॉट हिंदुस्तान। हिंदुस्तान शब्द में हिंदू शब्द होने से ये न केवल गुलामी का प्रतीक बन जाता है बल्कि भारत के निर्माण में संप्रदायवाद की साजिश की इमारत खड़ी करने के लिए नींव भी उपलब्ध कराता है। संविधान में भारत का प्रयोग होने के बावजूद हिंदुस्तान शब्द का सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर धड़ल्ले से प्रयोग हुआ। दैनिक हिंदुस्तान, साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसे समाचार पत्र निकले और चले भी। सरकारी स्तर पर हिंदुस्तान स्टील, हिंदुस्तान जिंक जैसे कई नामकरण हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने तो हिंदुस्तानी भाषा तक चलाने का प्रयास किया लेकिन वे सफल नहीं हो सके। ये सब बातें इतिहास रखती हैं। युद्ध मात्र तलवारों से नहीं, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में जो युद्ध लड़े जाते हैं उनमें शब्दों की भूमिका भी किसी तोप, तलवार या बम से कम नहीं होती।